प्यारे दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस में आईएएस, आईएफएस, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, इस चैनल को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पेस्पेलम स्क्रोबाइकुलेटम सबसे मोटा अनाज होता है। प्रकाश संश्लेषण में ध्वज पर यानी कि फ्लैगलिप का 52% योगदान होता है। मक्का फसल वह फसल है जो सूखा व जल भराव ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग एरिया से प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह रंध्रों को खुलने व बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है। मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों को एट्राजिन खरपतवार नाशक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवार नाशक से नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि मक्का के पौधे में इस खरपतवार नाशक का निम्नीकरण डिग्रेडेशन GSH एंजाइम द्वारा किया जाता है। कोलेगो खरपतवार नाशियों में से माइको हर्बिसाइड है। मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए सोयाबीन, गेहूं, मूंग फसल चक्र क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल अंतः फसल इंटरक्रॉप की उत्पादकता व उसी क्षेत्र से संभावित एकल फसल सोल क्रॉप की उत्पादकता के अनुपात को भौम तुल्यांकी अनुपात लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। अंतर फसली सिस्टम से अनुकूलतम उत्पादन लेने के लिए केवल मुख्य फसल की पूर्ण संतुलित मात्रा फुल रिकमेंडेड डोज उर्वरक शेड्यूल काम में लेना चाहिए। मृदा के पीएच मान में बदलाव के प्रति अच्छी तरह अवरोध करने की क्षमता बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है। मृदा का यांत्रिक विश्लेषण मैकेनिकल एनालिसिस स्टोक का नियम स्टोक लॉ पर आधारित है। अर्ध शुष्क व उपोष्ण पारिस्थितिकी में अनुकूल उत्पादन लेने हेतु अंतर फसली तंत्र में स्कीप रो प्लांटिंग ज्योमेट्री अपनाना चाहिए। ह्यूमिक एसिड ह्यूम्स का एक फ्रैक्शन है जो कि क्षार में घुलनशील व अम्ल में अघुलनशील होता है। मृदिका के क्रिस्टल लेटिस में एक अणु के द्वारा दूसरे अणु का प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट बिना किसी बदलाव के आइसोमोर्फिक प्रतिस्थापन कहलाता है। बीजोपचार हेतु निम्न रसायनों या जैव उर्वरक को कवकनाशी कीटनाशक एवं राइजोबियम FIR के बढ़ते हुए क्रम में उपयोग करना चाहिए। गेहूं के पीले किट येलो और स्ट्रिप रस्ट का मुख्य लक्षण पत्ती पर पंक्ति के रूप में पीले छोटे गोल फटे हुए यूरेडो पस्ट्यूल कहलाता है। गेहूं में कल्ले फुटान टेलरिंग के लिए अनुकूलतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। पौधों में स्थायी रूप से पोटेशियम तत्व कार्बनिक संयोग ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में समाहित नहीं होता है। पौधे की कम वृद्धि के साथ अधिकतम वृद्धि तथा साथ ही पोषक तत्व का पौधे में संचय एक्यूमुलेशन सफिशियंसी रेंज कहलाता है। मृदा समुच्चय निर्माण सॉयल एग्रीगेट फॉर्मेशन में मुख्य ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट का कार्य पॉलीसेक्राइड करते हैं। सीड वायबिलिटी का टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में वास्तविक आलू के बीज ट्रू पोटैटो सीड की बीज दर 100 ग्राम होनी चाहिए। भारत में मोठ बीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। तिल की बीज दर 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। भारत का राजस्थान राज्य सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। रेप सीड व मस्टर्ड सरसों का फल सिलकुआ कहलाता है। मृदा की आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्य रूप उचित मात्रा तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी कहलाता है। आलू पोटैटो तने का रूपांतरण होता है
असमतल या उबर खाबड़ अनडल्टिंग भूमि में सिंचाई की फव्वारा विधि से सिंचाई करना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। बाजरे के बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। सामान्यतः मृदा अम्लता को चूना के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कैच क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अधिक आय प्राप्त करना होता है। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मिड़ बंड फोरम से बनाई जाती है। ठोस सतह पर अधिशोषित जल की अणु अन्य जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसको ससंजन बल कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा क्षेत्र धारिता फील्ड कैपेसिटी एट 1/3 ब्यूर्स होती है। नियंत्रित परिस्थितियों में मृदा के एक कालम में अंतःश्रवण एवं निक्षारण लेंचिंग का मापन लाइसीमीटर के द्वारा किया जाता है। अंतःशोधन कैलिब्रेटेड करके खुली नाली में जल का बहाव पार्शल फ्यूलम के द्वारा मापा जाता है। जल स्तर वाटर टेबल की गहराई पीजोमीटर यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। रागी का वानस्पतिक नाम इलुसाइन कोरेकाना है। चने का मुख्य हानिकारक कीट फली छेदक कीट होता है। मूंगफली में क्रमशः तेल व प्रोटीन की मात्रा 45 से 26% पाई जाती है। न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को मिनिमम टिलेज कहते हैं। पोटासिक उर्वरक के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है।